Hey guys, welcome in my YouTube channel. क्या मतलब यही करता रहूँ क्या? Come on यार, episode 2 start होने वाला है guys. Episode 2 देखो अब. By the way, episode 2 देखने से पहले भाई को देखो. ये फैशन नहीं है, फैशन नहीं है ये फैशन नहीं है. आठ से दस बार हो चुका है जब मैं यहाँ आ चुका हूँ. ये जो रास्ता है ना, ये शॉर्टकट, वी यूज टू फॉलो डैड. जब हम छोटे थे तो उसको फॉलो किया करते थे. सो अभी वो कंडीशन नहीं है बिकॉज अभी छोटे नहीं है तो वो फॉलो नहीं करते. तो अभी अपना जो जेन्युइन है उसको फॉलो करते हैं. सो अभी देखता हूँ बच्चों को. फाइनली पहुंच गया हूं. अब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. अब जाते हैं अंदर, अंदर देखते हैं क्या सीन चल रहा है. ढोल बज रहे हैं तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो देखते हैं अंदर जाके. तो मैंने आपको बताया था कि इस साल जो नया हुआ है वो ये हुआ है कि मैंने जो ट्रैक किया है सुरकुंडा का नीचे से ऊपर तक, वो नंगे पैर किया है. यस, नेकेड फीट. और ट्रेस में बिल्कुल पता नहीं चला कि कुछ फर्क भी पड़ा है बहुत, लेकिन बहुत मजा भी आया है और कुछ पता नहीं चला. सो बहुत आई जस्ट एंजॉय द मोमेंट और सारी कर रहे हैं. फॉग बहुत ज्यादा हो गया, आपको दिखेगा नहीं शायद. इवन मेरे को नहीं दिख रहा तो आपको कहां से दिखेगा. बट फॉग बहुत ज्यादा हो गया. बट लकी हूं कि यहाँ बारिश नहीं हुई बिकॉज रास्ते में बारिश हो रही थी, इस बार नहीं हुई. सो थैंक्स टू मा एंड थैंक्स टू माई रियल मा. चलते हैं, दर्शन हो गए, अच्छे से हो गए और ब्लेसिंग्स भी ले लिए. अब चलते हैं. सबसे बुरा होता है नीचे जाना. आई मीन ऐसा लग रहा है 2 घंटे हो गए मैं नीचे ही नहीं पहुंचा अभी तक, और 1 घंटे में तो मैं ऊपर पहुंच गया था. एक तो फोर्स आपको नीचे की तरफ धकेलता है ना, और ऊपर से नंगे पैर. पैर भी कांपने लग गए तो. बस पहुंचने वाले हैं, 2-3 मिनट का रास्ता है. बट हाँ, नीचे आना मेरे को ज़्यादा टफ लगता है.
ऊपर क्या है, ऊपर बस ये है कि आपकी ब्रेथ टूटती है, बट हाँ आपका जो लोअर पोर्शन होता है वो मेंटेन रहता है, और जब नीचे आप जाते हो तो आपका लोअर पोर्शन पूरा टूट जाता है। अभी मैं दिखा सकता हूँ आपको, मेरे पैर शेक कर रहे हैं, देखो सो ये डिफरेंस होता है। इसलिए मेरे को क्लाइंबिंग करना सही लगता है रादर देन कि आप नीचे आओ, सो अप इज़ बेटर देन डाउन। चलो बस पहुँच के जाते हैं नीचे, देखते हैं अब कैसे कहाँ जाना है, मसूरी के लिए निकले हैं या फिर मसूरी, फिर उसके बाद देहरादून या फिर ऋषिकेश, देखते हैं एक बार पूछ लेते हैं वहाँ से किसी से। अगर वैसे मैं सोच रहा हूँ कि देहरादून के लिए निकलूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत है, तो देहरादून ही जाएंगे सीधा, देखते हैं। ये लो एक और कांड है, तो तुम दिल पे रही हो, तुम्हें सुराग मार रही हो, तुम एक को बच्चे पे लगाओ। हर्डल से बहुत सारे हैं स्पेशली मेरे लिए, नंगे पाऊँ ना, ये देखो रास्ता देख लो आप, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। रास्ते ऐसा तो क्या करें, देखो भाई भी साथ साथ है, और क्या करें भैया, काम तो करना ही है। काम तो करना ही है, पैसे तो कमाने ही है, जैसे हम कमा रहे हैं, नॉट फ्रॉम ब्लॉगिंग, फ्रॉम डूइंग ए जॉब। साले तो ये खच्चर वालों ने इतना लूट मचा रखी है, मतलब ऊपर जाएंगे तो 400, नीचे आएंगे तो 800, देख रहे हो, इसलिए कहता हूँ नीचे आना टफ है घोड़ा भी जानता है, मतलब खच्चर, दिल्ली के जो आते हैं देसी लोग वो लोग घोड़ा बोलते हैं, बट ये है खच्चर। सुकंडे में आके जो एक चीज मेरे को सबसे अच्छी लगती है वो ये लगती है कि मैं यहाँ से कलावा बांध के जाता हूँ, कलावा, सो ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है फिर। सो सबसे बेस्ट थिंग मेरे को ये लगती है कि यहाँ पे कलावा बांधने को मिल जाता है मेरे को, और इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, तो इसलिए अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। मतलब आँख लाल हो रखी है तो खुजली भी हो रही है, मेरी आँखें अभी भी अंदर ही भी बंद है, अगर मेरे को आपसे बात करनी है ना तो मेरे को आँखें बंद करके ही बात करनी पड़ेगी ऐसे, बिकॉज मैं आँखें दिखा ही नहीं सकता आपको।